जहाँ जहाँ दर्द हो, जहाँ हैवीनेस हो, वो आप मेरे को बता दीजिए, ठीक है? इधर दर्द, इधर हैवीनेस, इधर ये नहीं है, दर्द तो है नहीं, दर्द हैवीनेस तो है यहाँ, जो कमी वाला पॉइंट जो था उस पे हैवीनेस, ये ना, ठीक है? इधर इधर दबाते हैं तो इधर आती है, इधर दबाते हैं तो भी इधर आती है। यस, वो मैंने अभी आपको बताया था कि लेफ्ट साइड में पेट आपका जो है थोड़ा सा टाइट है राइट साइड के कंपेरेटिव, तो जब हम लेफ्ट साइड जरा सा भी प्रेस कर रहे हैं ना तो भी प्रेशर वही सेंटर पॉइंट पे आ रहा है, ऐसा ही है। यस, ये देखिए टाइट है ना, ये एग्जैक्टली ये पॉइंट बताओ मेरे को, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर कोई भी नहीं है, यहाँ आया नहीं, लेकिन जब मैं राइट में दबा रहा हूँ तो ये पूरा लूज है, लेफ्ट में दबा रहा हूँ ये पूरा टाइट है, ऐसा ही है। राइट में तो कोई भी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? किसी भी पॉइंट पे मेरा कोई तेज प्रेशर तो नहीं है, लूज छोड़ दो मुझे। अब हमने ये ये हैवीनेस या दर्द है नहीं है, बेल्ट निकालते आवाज को फील करो यहां से, ठीक है? आई आई घुटने पे कोई प्रेशर तो नहीं है ना, जांघों पे प्रेशर बिल्कुल नहीं है ना, ये लो जी उठो ऊपर, अब तो नहीं आ रहा ना, यस छोड़ दो, छोड़ दो पैरों को, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ एकदम, मैंने जब स्पाइन से पकड़ा तब भी आवाज आई, अभी पैर भी मुड़ा तब भी आवाज आई, है ना? छोड़ो
हाथ सीधे दोनों बिल्कुल रिलैक्स एकदम, ठीक है। इंटरनली जो प्रेशर बन रहा है ना, वो जो आपका बहुत स्लो हो गया बॉल मूवमेंट, इसको बेसिकली जो अभी जब हम बाहर बात कर रहे थे, हम क्या कह रहे थे अभी हम बाहर जब बात कर रहे थे तो उसको बता रहे थे कि मेडिकल टर्म में इसको IBS कहते हैं, करेक्ट। मतलब उतने सारे सिम्टम्स का जो ग्रुप बनता है कि कॉन्स्टिपेशन हो रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, ब्लोटेड हो रहा है, पेट पेट में हैवीनेस है, ये सब, तो इसको पर्टिकुलर बोलते हैं IBS-C इन द सेंस इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेशन फॉर्म में। यस, जिन लोगों को IBS-D होता है उन लोगों को डायरिया हो जाएगा। मैं आपको भी बता रहा हूँ डायरिया होने की वजह से क्या कंडीशन देखने को मिलती है, पेट एकदम पतला हो जाता है, पेट को वो लोग फुला नहीं पाते, नाभि की दोनों साइड में ये जो लाइन है ये बहुत टाइट हो जाती है, ठीक है। अगर हम उसको मॉडिफाई करके एक जनरल लैंग्वेज में आए या देसी भाषा में आए तो उसको क्या बोलते हैं, फिर नल हो गए हैं, नले पड़ गए हैं, नले अकड़ गए हैं। तो ये है अपनी जो प्रॉब्लम है, ये है IBS-C यानी कॉन्स्टिपेशन फॉर्म। उसमें क्या है कि अगर आप मोशन पास करके भी आएंगे तो आपको ऐसी फीलिंग रहेगी कि अभी मेरे को दोबारा से जाना है, प्रेशर बना हुआ है, बट आप जाएंगे तो मोशन पास नहीं होगा, है ना। गैस बनती रहती है और जब ये गैस बनती है तो पेट पूरा फूला रहता है, भूख नहीं लगती, बेचैनी सी रहती है ना, किसी भी चीज में कोई मन ही नहीं लगेगा, और ये सारी समस्या जो है ये बिल्कुल एकदम खत्म हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है जी। यस।